आगे हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वस्टी एज एंड ही वॉज बीटिंग हिम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रानी बिग टो. अब उसका जो म्यूजिक मास्टर था, जो वो वायलिन बजा रहा था, उस और उसका जो गोल्डन बॉर्डर था किसका, वेस्टी एज. वेस्टी एज क्या होता है, जो उसका परना गर्दन पे रखा हुआ था कपड़ा, उसने उसका गोल्डन ब्रेड के पास एज के पास किनारे पर उसने अपना वायलिन टिकाया हुआ था, और उसका जो पैर का अंगूठा था वो म्यूजिक के साथ साथ हिल रहा था. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ धुनें बजाई. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लाली ने उसी की धुनों को दोबारा बजाने की कोशिश की. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, जो कि उस तरह की धुनें नहीं बज रही थी जैसी कि उसे बजानी चाहिए थी, लेकिन वो मजबूर थी और उदास थी जो भी धुनें उससे बजाई जा रही थी. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the visible tracks of the melody. अब मृदु रवि से कहती है कि म्यूजिक मास्टर का जो प्लेइंग का तरीका है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो जो उसका लाली का है उसकी जो म्यूजिक नोट्स हैं वो अच्छी नहीं है. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whistling along as Ravi said. Ravi ने कहा ऐसा लग रहा था जैसे जब लाली बजाती है वायलिन तो ऐसा लगता है जैसे ट्रेन अपनी पटरी से उतर जाती हो. मृदु स्टार्ड एट द ह्यूज हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक. मृदु म्यूजिक मास्टर की तरफ देख रही थी जिनका म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा लवली था और बहुत ही ज़्यादा कानों को सुख देने वाला था. स्क्वैक, देयर वॉज लालीज डेरलिंग अगेन. अब स्क्वैक, लाली के वॉयलन ने ये आवाज़ की. अम्मा केम अवेल फ्रॉम द गेट, उसी समय आवाज़ आई गेट पर से, अम्मा ओ अम्मा. रवि सेट सेंड द बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विद टप्पी. पीछे से आवाज़ आती है, रवि उस बैगर को भगा दो, उसकी मदर ने पीछे वाले वरांडे से कहा, जो कि टप्पी से बातें कर रही थी उसकी मदर. ही वॉज बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वो बताती है कि वो हर हफ्ते ही यहाँ आ जाता है. इट्स अ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, पैटी एक्सप्लेन टू टप्पी. पैटी ने टप्पी से कहा कि अब उसे कोई और घर भीख मांगने के लिए ढूंढ लेना चाहिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना ने रवि को फॉलो किया. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बैगर गार्डन में आ चुका था. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो अपने आप को अपने ही घर पर समझ रहा था. गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि ने रूड सी आवाज़ में कहा कि यहाँ से चले जाओ. माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, रवि ने कहा मेरी पार्टी ने मुझे कहा है कि तुम कोई और घर भीख के लिए ढूंढ लो. Will the beggar go away? No, he will not. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. Beggar ने सभी बच्चों को देखा. He then raised his voice. उसके बाद उसने अपनी आवाज़ ऊंची करके कहा, अम्मा अम्मा ओ. Sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, कमज़ोर नहीं थी. रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि ने कहा कि किचन में अपने लिए कुछ नहीं, कहा कॉल्ड रुकुमणि. रुकुमणि ने रवि से कहा कि उसे बताओ कि अब किचन में कुछ नहीं बचा है एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, अब उसे वापस नहीं आना चाहिए. टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप, उसे उसने ये कहा कि उसे बता दो क्योंकि अब वो थक चुके हैं. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि को ये सब कुछ बैगर्स के साथ रिपीट नहीं करना पड़ा. व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर, दे आर अंडर द नीम ट्री, सभी को ये बात सुनाई दे रही थी इसलिए उसने दोबारा नहीं कहा. द बैगर सेट अप एंड साइड, लेकिन भिखारी जो था वो वहीं बैठ जाता है और सांस लेने लगता है, यानी कि आराम करने लगता है. I will go, he said wearily.
उसने थका थकी हुई आवाज में कहा, मैं चला जाऊंगा, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। वो कहते हैं मुझे थोड़ा यहाँ पर आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, सूरज बहुत ज्यादा गर्म है, सड़कों पर जो तार है वो भी पिघल रही है। तार होती है लुक जो सड़कों पर डाली गई होती है। My feet are already blistered. मेरे पैरों पर छाले हो चुके हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on his the soles of bare feet. उसने अपने हाथ पैरों पर पड़े हुए छालों को दिखाते हुए कहा। I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to Meena and Ravi. मृदु ने मीना और रवि से फुसफुसाते हुए कहा कि मुझे लगता है उसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गोट एन ऑल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम कहीं से पुरानी चप्पलें प्राप्त कर सकते हो? आई डोंट नो, सेड रवि। रवि ने कहा नहीं मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरी बहुत छोटी रहेंगी उसको नहीं आएंगी। आई हैड गिवन देम टू हिम, मैं उसको दे देता। हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, उसके पैर मृदु और मीना से भी बड़े थे। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। उसकी आंखों में थोड़ी भर आती हैं, आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि ये अच्छा नहीं है, उसे पैरों में पहनने के लिए कुछ चाहिए। सेड रवि, रवि ने कहा चुप हो जाओ। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प, क्या हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते? टू मिनट्स ही विल बी फ्राइंग ऑन हिज फीट ऑन द रोड, दो मिनट बाद उसके पैर सड़क पर जलने लग जाएंगे। What he need is a pair of chappals, उसे क्या चाहिए? सिर्फ एक चप्पल का जोड़ा। So where do we get them, हमें ये कहाँ से मिलेगा? Come let's search the house, चलो हम घर में ढूंढते हैं। He pushed मृदु and Meena into the house, उसके बाद उसने मीना और मृदु को पुश कर दिया। इसके नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय।